ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। गुड़ के साथ मेथी की सब्जी पकाकर खाने से गठिया रोग कम हो जाता है, फिर धीरे धीरे चला जाता है। नंबर 2, दर्द वाली जगह पर सरसों के तेल की मालिश करने से जोड़ों का दर्द गायब हो जाता है। नंबर 3, झुर्रियों की समस्या को दूर करने के लिए नारियल तेल और शहद को मिक्स कर ले। इसे अपने फेस पर लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद हल्के गुनगुने पानी से चेहरे को धोकर साफ कर लें। नंबर 4, चेहरे पर निखार लाने के लिए तुलसी की पत्तियों को गुलाब जल में 10-15 मिनट के लिए भिगोकर रख दें। इसमें चुटकी भर हल्दी मिलाकर मिक्स करके चेहरे पर लगाएं। इससे चेहरे पर निखार आ जाएगा। नंबर 5, सौंफ का उबला हुआ पानी पीने से रंग साफ और गोरा होता है। नंबर 6, ज्यादातर घरों में लोग सुबह नाश्ते में ब्रेड बटर चीजों का सेवन करते हैं। इन चीजों से बच्चे के शरीर को पोषण नहीं मिल पाता है, इसलिए नाश्ते में केवल घर की बनी चीज ही उन्हें खाने के लिए दें। इसके लिए आप इडली, डोसा, उपमा या पोहा उन्हें दे सकते हैं। इससे उनके शरीर में दिन भर एनर्जी बनी रहेगी। नंबर 7, दांत पर कच्चे पपीते का रस लगाने से दाद और खुजली की समस्या कुछ ही दिनों में ठीक होने लगती है। नंबर 8, आम के पेड़ की दातुन कर लेने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। नंबर 9, अगर नींबू पानी पीते हुए नींबू के बीज आपके मुंह में आ जाएं, तो वह चबाकर खा लेने चाहिए। इससे कई बीमारियां दूर होती हैं। नंबर 10, चेहरे पर चुकंदर का छिलका लगाने से कभी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 11, रात को सोने से पहले चाय पीने से बचें, इससे आपको पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 12, ठंडा पानी पीने से बांझपन की बीमारी हो सकती है, लगातार अधिक ठंडा पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 13, नींबू का पानी कंघी पर लगाकर बालों में फेरने से बाल चमकदार और मुलायम हो जाते हैं। नंबर 14, रोजाना 1 चम्मच करेले का जूस पी लेने से शुगर की बीमारी से बचा जा सकता है। नंबर 15, ज्यादा कैलोरी लेने से बचना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक की जगह नींबू पानी और मीठे के लिए सफेद चीनी की जगह गुड़ या शहद का इस्तेमाल करें। नंबर 16, अगर आप मसूर की दाल नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी, साथ ही शरीर की कमजोरी को दूर करता है। नंबर 17, लहसुन को छीलकर उसकी कलियों को दरवाजे और खिड़कियों के पास रख दें, इससे छिपकलियां नहीं आएंगी। नंबर 18, जब मोबाइल फोन डिस्चार्ज हो गया हो तब फोन ना सुने, क्योंकि उस समय रेडिएशन 1000 गुना ज्यादा होता है, जो हमारे दिमाग को बीमार करने के लिए काफी रहता है। नंबर 19, यदि आप टॉयलेट जाते समय अपने दांतों को दबाए रखते हैं तो इससे दांत मजबूत रहेंगे और आपको कभी लकवा जैसी बीमारी नहीं होगी। नंबर 20, अधिक झुककर पड़ने से फेफड़े, रीढ़ और आंखों की रोशनी पर बुरा असर होता है। नंबर 21, बालों को बांध कर रखने से दिमाग को ताकत मिलती है और बाल कम गिरते हैं। नंबर 22, मूली के साथ दूध, खीरा, संतरा, करेला और चाय का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये आपके शरीर में जहर के समान कार्य करते हैं। नंबर 23, दही को जल्दी और अच्छा जमाने के लिए रात को दही जमाते वक्त दूध में साबुत हरी मिर्च डाल दें, इससे दही अच्छा जमेगा। नंबर 24, आलू को उबालकर फ्रिज में बहुत समय के लिए रखकर कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आलू के पोषक तत्व विषैले पदार्थों में बदल जाते हैं। नंबर 25, सुबह उठकर आंखों पर मसाज करने से तबीयत अच्छी होती है। नंबर 26, अगर पेट में दर्द हो रहा है तो जीरा पीसकर शहद के साथ चाट लें, इससे पेट दर्द में काफी लाभ मिलता है। नंबर 27, सोने से पहले सौंफ का सेवन करने से आंखों की रोशनी तेज होती है, इसके लिए 1 चम्मच सौंफ के साथ 2 बादाम खाएं। कुछ ही दिनों में आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। नंबर 28, कभी भी अपने घर के फर्श पर या आसपास ना थूकें, इससे टीबी की बीमारी हो जाती है। नंबर 29, पथरी होने पर हल्दी और पुराना छाछ मिलाकर पीने से पथरी जड़ से खत्म हो जाती है। नंबर 30, 1 चम्मच जीरा रात को पानी में भिगो दें, सुबह उठकर इस पानी को पीने से लीवर मजबूत होता है,
कब्ज से छुटकारा मिलता है और इससे पेट साफ रहता है। साथ ही यह वजन कम करने में भी मदद करता है। नंबर 31, अगर आंखों में धुंधलापन नजर आने लगे तो सुबह उठते ही आंखों में सुरमा जरूर लगा लें। आप काजल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर होगा। नंबर 32, मुंह में पानी भरकर नहाने से कभी जुखाम नहीं होता। नंबर 33, हल्दी, नमक और सरसों के तेल को मिलाकर एक पेस्ट बना लें, फिर मंजन की तरह इससे दांत साफ करें। इससे दांतों में लगा हुआ कीड़ा मर जाता है और दांत साफ रहते हैं। नंबर 34, शहद में मौजूद आयरन की मात्रा एनीमिया के खतरे को कम करता है। नंबर 35, पानी पीने के बाद कुछ देर चल लिया करें, ऐसा करने से बुढ़ापे तक घुटनों का दर्द नहीं होगा। नंबर 36, अगर पेट का दर्द कम ना हो रहा हो तो पानी में अजवाइन उबालकर और उसमें काला नमक डालकर गुनगुना करके पी लें, इससे काफी हद तक आराम मिल जाएगा। बिना हाथ धोए जो लोग खाना खाते हैं उनकी याददाश्त कमजोर होने लगती है। गर्भावस्था में नाशपाती का सेवन करना अमृत के समान माना जाता है। नंबर 37, हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं तो रोजाना प्याज और लहसुन खाएं और सुबह एक सेब जरूर खाएं। नंबर 38, एक सांस में पानी कभी नहीं पीना चाहिए, इससे सीने में दर्द होने लगता है। पानी हमेशा 3 सांस में और बैठकर घूंट घूंट करके पीना चाहिए। नंबर 39, सुबह नाश्ते के बाद एक इलायची खाने से सांस फूलने की समस्या नहीं होगी। नंबर 40, यदि पेशाब में पीलापन आता है तो आप अंदरूनी तौर पर स्वस्थ नहीं हैं। नंबर 41, बाथरूम में पानी की बाल्टी या फिर टब को हमेशा भर कर रखना चाहिए। यदि बाल्टी खाली है तो उसे पलट कर रखना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 42, यदि रोटी बनाते समय रोटी की भाप से हाथ जल जाए तो उस पर बर्फ के टुकड़े से सिकाई कर लेनी चाहिए। नंबर 43, नहाने से पहले नाक, कान, नाभि और अंगूठे के नाखूनों पर सरसों का तेल लगाने से आंखें कभी खराब नहीं होती। नंबर 44, नाखूनों पर आंवले के तेल से मालिश करने से आंखों की रोशनी तेज होती है। नंबर 45, यदि जोड़ों में दर्द रहता है तो दूध में कच्चा अदरक उबालकर पीने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। नंबर 46, दांतों का असली रंग हल्का पीला ही होता है, इसलिए ज्यादा सफेद करने के चक्कर में अपने दांतों को खराब ना करें। नंबर 47, सेंधा नमक, देसी गाय का घी और सरसों के तेल का ही प्रयोग करें, रिफाइंड तेल से जितना हो सके बचना चाहिए। नंबर 48, यदि दांत में दर्द है तो अदरक का छोटा टुकड़ा चबा लेने से दर्द तुरंत गायब हो जाता है। नंबर 49, यदि थायराइड की समस्या है तो चाय में काली मिर्च और सौंठ डालकर पीना चाहिए, इसको रोज पीने से थायराइड की समस्या खत्म हो जाएगी। नंबर 50, यदि ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या है तो देसी गाय के शरीर पर हाथ फेरने से 10 दिन में ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। नंबर 51, दूध और कटहल को कभी भी एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए, इससे चर्म रोग हो जाता है। नंबर 52, नमक के साथ दूध और सभी प्रकार की खटाई वाली चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दूध को हमेशा अकेला ही पीना चाहिए। नंबर 53, कच्चा नारियल खाना दिमाग की कमजोरी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 54, रोजाना एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, इससे शरीर स्वस्थ रहता है और साथ ही शरीर कई गंभीर बीमारियों से दूर रहता है। नंबर 55, मस्सों से छुटकारा पाने के लिए हर रोज एलोवेरा जेल लगाना चाहिए, इससे कुछ ही दिनों में मस्से सूखकर नीचे गिर जाएंगे। नंबर 56, हर बात को ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग भी वही सोचने लगता है जो असलियत में होता ही नहीं, इसलिए किसी भी बात को ज्यादा ना सोचें। दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी सामान्य जानकारी पर आधारित है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ये नियम अपनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हेल्थफुल लाइफ को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।